सवाल है जो सब पूछ रहे हैं मुझसे, कल आप ही जवाब दो उसका। कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक कनेक्शन है आप सबके साथ, चीजें समझ जाते हो, और आप बार बार ब्लॉग क्या ऐसा है क्या ऐसा है क्या हुए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, सारे टेस्ट अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए आज हम आपके सामने हैं क्योंकि और दीपिका इज 3 months प्रेग्नेंट अल्हम्दुलिल्लाह। मिल गया आप सबको जवाब, ठीक है, मिल गया आप सबको जवाब। बहुत जेन्युइनली बहुत दिल से सब पूछ रहे थे कि इस बार मत लेके आना क्योंकि मैं नहीं पहन पाऊंगी, जब इंशाल्लाह पहनना स्टार्ट करूंगी तब खरीदूंगी। अभी रूहान की वजह से जो है मैं कुछ नहीं पहन पाती, ये भी मैंने अब भी पहना हुआ है, बट आप लोग कई बार नोटिस करते होंगे कि एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं होता है ये, क्योंकि अभी वो इतना डोलने लगा है ना, जब इसे उठाओ तो एक हाथ बार हो भी चुका है कि उसने अपना सर जो है वो इयररिंग्स पे मार दिया है, तो फिर उसको लग जाती है, बहुत ज़ोर से रोता है। तो अभी थोड़ा टाइम और, आई थिंक कुछ महीने और, जब तक ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। मेरी रिंग्स, मुझे सबसे ज़्यादा रिंग्स का जो है क्रेज़ रहता है हमेशा से, मुझे हमेशा से, जब भी मुझे पूछते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे रिंग खरीदनी, तो अब इंशाल्लाह जब मैं स्टार्ट करूँगी तो नई रिंग खरीदनी। तो इसीलिए इस बार मैंने स्पेशली शोएब को बोला था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज शोएब और दीपिका ने आप सबको जवाब दे दिया। आप सब लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे शोएब क्यों नहीं चूड़ियाँ लाए मोहम्मद अली रोड से, तो आज फाइनली दीपिका ने क्लियर कर दी है, क्योंकि रूहान बहुत छोटे हैं, अभी रूहान को चोट लग जाते हैं इसीलिए दीपिका नहीं पहन पाते। और अभी आप सबको और एक न्यूज़ जो है दीपिका से जाननी है कि दीपिका की प्रेगनेंसी अपडेट क्या है, तो अभी तक दीपिका ने कोई भी अपडेट नहीं दी है। जब भी आप लोगों को अपडेट देगा तो सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए।